गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग प्रोसेस। बच्चे, हमने कल किया था सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आज हम करेंगे सैम्पलिंग का प्रोसेस। प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हम क्या जनरेट करते हैं एक सैम्पल को लेके। कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग इन मार्केट रिसर्च। सैम्पलिंग मीन्स गेटिंग ओपिनियंस फॉर ए नंबर ऑफ पीपल चूजन फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट द होल ग्रुप। लेट्स सपोज हमने कोई ओपिनियन चेक करना है किसी पर्सन का, ठीक है। वो नंबर ऑफ पीपल उसमें से स्पेसिफिक ग्रुप को चूज़ करना है। जैसे 100 पीपल्स हैं, उसमें से 10 जो 10 स्टूडेंट को उठा लो, उन सब का भी सेम क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रुप होगा और उन सब की भी जो थिंकिंग है वो क्या होगी, एक जैसी होगी। उसमें से हम ईजिली क्या सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके 7 स्टेप आते हैं बेटा प्रोसेस में। डिफाइन द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग फ्रेम, स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट, स्पेसिफाई सैम्पल मेथड, डिटरमाइन सैम्पल साइज, स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान, सेलेक्ट द सैम्पल एंड कलेक्ट द डेट। ओके, देन फर्स्ट हम पहले करेंगे डिफाइन द पॉपुलेशन। जो एक सैम्पल है, जैसे हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, उसमें से हमने वो बोरी राइस की बोरी पड़ी हुई थी, उसमें से हमने कुछ राइस उठा लिए, वो हमारा हो गया सैम्पल। जो पूरी बोरी है वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट। वो 4 टाइप में डिफाइन है पॉपुलेशन: एलिमेंट, सैम्पलिंग यूनिट्स, एक्सटेंट एंड टाइम। अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सटेंट क्या होते हैं और टाइम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए सर्विस ऑन द कंजम्पशन ऑफ टी इन गुजरात, देन दीज स्पेसिफिकेशन माइट बी एज फॉलो। कहते हैं अगर आप एक टी के रिगार्डिंग टी को कंज्यूम करने जाते हैं गुजरात में, उसके अकॉर्डिंग सर्वे करके कंडक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उन सब में क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए। एलिमेंट्स मीन्स हाउसवाइफ्स। अब एक हाउस होल्ड में जाके हम हाउसवाइफ्स को ईजली उससे जो हाउसवाइफ्स होती हैं बेसिकली हाउस होल्ड के अंडर ही होती हैं। हाउसवाइफ्स होती हैं जो एलिमेंट होता है, बट हाउस होल्ड को हम सैम्पलिंग यूनिट्स कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम अगर हाउस होल्ड को बोलें कि वो हमारा हाउस वाइफ होगा, वो कैसे होगा। अगर एक हाउस होल्ड में जाएंगे तो हमें वहाँ पे ईजिली हाउस वाइफ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो एक सैम्पलिंग यूनिट्स होता है हाउस वाइफ। ओके, देन सेकंड वन इज सैम्पलिंग यूनिट्स, हाउस होल्ड ग्रेटर देन हाउस वाइफ्स। एक्सटेंट होता है कहाँ जाना है, हमने कहाँ सर्वे करने हैं, गुजरात स्टेट, एंड टाइम वो डेट के अकॉर्डिंग होगा। ओके, देन सेकंड वन इज आइडेंटिफाई सैम्पलिंग फ्रेम, विच कुड बी ए टेलीफोन डायरेक्ट्री, ए लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स एंड लोकेलिटी ऑफ स्टेटस और मैप और एनी अदर लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी सैम्पलिंग यूनिट्स। इसमें क्या बताते हैं कि आपने जिसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग सर्वे करना है उसकी लोकेलिटी को आइडेंटिफाई करना है, वो किस एरिया में आता है, किस मैप में किस एरिया में लोकेट करता है, वो सारा किस में आता है, आइडेंटिफाई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्ट्रीट में ब्लॉक करता है, कौन सी सिटी में है, कौन सी लोकेलिटी में है, ये सारा कुछ किस में आता है कि एक सैम्पलिंग के फ्रेम को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट, द सैम्पलिंग यूनिट इज द बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। द सैम्पलिंग यूनिट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ वन वॉन्टेड ए सैम्पल ऑफ हाउस वाइफ, इफ इट माइट बी ईजियर टू सेलेक्ट हाउस होल्ड एंड द सैम्पलिंग यूनिट्स एंड देन इंटरव्यू हाउस वाइफ इन ईच ऑफ द सेलेक्टेड हाउस होल्ड। क्या कहते हैं कि अगर हमने कुछ एक सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, वो हम स्पेसिफाई किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एक हाउस वाइफ्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया जो हाउस वाइफ होता है वो एलिमेंट होता है, जो हाउस होल्ड होता है वो आपका सैम्पलिंग यूनिट होता है। बट हम सैम्पलिंग यूनिट को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग, कि हमें वो किस अकॉर्डिंग के सैम्पल्स के यूनिट्स को बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, उस उनके अकॉर्डिंग जो भी इंटरव्यू होगी वो हमारा क्या, उनसे हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि इस सैम्पल के अकॉर्डिंग हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं एक हाउस होल्ड में।
देन थर्ड वन इज स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट. एज मैंशन इज द प्रिसीडिंग स्टेप, द सैम्पलिंग फ्रेम शुड बी कम्प्लीट एंड एक्यूरेट, अदरवाइज द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल यूनिट माई बी डिफेक्टिव. कहते जो भी आपने प्रोसीड स्टेप के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग को फ्रेम करना है वो एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा आपके लिए. देन फोर्थ वन इज स्पेसिफाई सैम्पल मेथड. जो भी आपने सैम्पल मेथड करना है वो स्पेसिफाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जैसे लेट सपोज इसमें बताया कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल उनको डिटरमाइन किया जाता है. लेट सपोज जैसे हम टेंथ में करते थे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, हम रैंडमली कार्ड्स उठा लेते थे तो कोई भी कार्ड्स आ जाता था, ठीक है. बट इसमें हमने क्या करना है, एक स्पेसिफाई यूनिट्स को सिलेक्शन करनी है. जैसे मैंने 100 बंदे लिए, उसमें से 10 बंदों को मैंने उठा लिया. जो 100 बंदों की सोच है, थिंकिंग है, वो 10 बंदों की भी सेम होगी. इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कौन प्रोबेबिलिटी है, कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल है. देन फिफ्थ वन इज डिटरमाइन सैम्पल साइज. जो भी आपने सैम्पल को सिलेक्ट करना है उसका साइज इफेक्टिव होना चाहिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लायक हो, ठीक है. कहते इन सैम्पलिंग एनालिसिस द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैम्पल एंड व्हाट वुड बी इट साइज. इफ द सैम्पल साइज इज टू स्मॉल इट मे नॉट सर्व टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड इफ इट इज टू टू लार्ज वी मे इनकर ह्यूज कॉस्ट एंड वेस्ट रिसोर्सेज. कहते इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को यूज़ नहीं करना, रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ओके. देन सिक्स वन इज स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान. अब जो आपने प्लान किया था सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग उसको कैसे स्पेसिफाई करना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को देख के हाउस होल्ड में सर्वे करके कि कौन सा प्लान कहाँ पे मिलता है, किस क्वालिटी का है, उन्होंने हमारे साथ कैसे डील किया, क्या उस सैम्पल के अकॉर्डिंग हमें क्या एडवाइस दी, कब करना है कब नहीं करना है, वो सारा कुछ कहाँ पे हाउस होल्ड में विजिट करके पता चलता है कि एक प्लान को हमने कैसे स्पेसिफाई करना है. देन सेवन्थ वन इज सेलेक्ट द सैम्पल एंड कलेक्ट द डेट. जब हमने फाइनली सैम्पल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर उसको उसकी डेट को कैसे कलेक्ट करना है. सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल एनिमेंट, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेज आर फेस्ड बाय द इंटरव्यूअर, वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग द सैम्पल रिस्पॉन्डेंट्स. कहते हैं कि कुछ समय बाद हमें इंटरव्यू के जब हमारी इंटरव्यू होती है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि हर एक बंदा कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा स्टेप्स हमने कहाँ से लिया था. इसलिए पहले ही हमें पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे पास रखनी चाहिए क्योंकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए. थैंक यू सो मच बच्चे, आज का आपका ये टॉपिक था कि सैम्पलिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं.